जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी के वार्षिक चुनाव वर्ष 2021-22 में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हुआ और चुनाव में योगेंद्र सिंह वर्मा अध्यक्ष एवं नरेश सिंह महामंत्री चुने गए हैं। दिनांक 4/2/2021 को जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए वोट डाले गए थे, जिसके क्रम में आज पूरा दिन मतगणना का दौर जारी रहा। बार एसोसिएशन के प्रांगण में वोटों की गिनती का कार्यक्रम चलता रहा। मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के चेहरे पर शिकन साफ दिखाई पड़ती रही। मतगणना में गिनती के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी जिससे यह अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल था कि किसकी जीत हो रही है और कौन हार रहा है। हालांकि शाम ढलते ढलते बधाइयों का दौर शुरू हो गया और अंत में बार एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा महामंत्री पद के प्रत्याशी नरेश सिंह की जीत की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद नरेश सिंह के समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं द इंडियन ओपिनियन से नवनिर्वाचित महामंत्री नरेश सिंह ने बात भी की। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, कोई द्वेषभावना काम नहीं होगा, सबको साथ लेकर चलेंगे। मतगणना के इस दौर में अध्यक्ष पद पर प्रत्याशियों की दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी और कई राउंड की गिनती के बाद योगेंद्र सिंह वर्मा अध्यक्ष बार एसोसिएशन बाराबंकी चुने गए। द इंडियन ओपिनियन से बातचीत में नव निर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यह है कि मैं किसी भी अधिवक्ता के मान सम्मान पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, और दूसरा इससे पहले से भी हमारी कुछ मांगे सरकार के पास विचाराधीन है, जैसे रजौरी तहसील वापस लाना और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना, जूनियर अधिवक्ताओं को भत्ता दिलाना और बाराबंकी जिले को फैजाबाद कमिश्नरी से हटा के फैजाबाद लखनऊ कमिश्नरी में शामिल कराना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। अध्यक्ष और महामंत्री पदों के साथ साथ बार एसोसिएशन में विभिन्न पदाधिकारियों ने भी जीत हासिल की, जिस दौरान उनके समर्थक उनके समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आए और उन्होंने अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। पदाधिकारियों की जीत की घोषणा होने के बाद ही जिला बार एसोसिएशन प्रांगण में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान समर्थकों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर अपनी खुशी का इजहार किया व रंग गुलाल एक दूसरे के चेहरे पर लगाकर बधाई भी दी।